मक्खन, तुम इसको जानते हो? ना बाबा। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं बाबा, पहले जरा बात जीत हो जाए तो जान लूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे गौर से देखकर बताओ कि मैं कौन हूँ। बाबा तुम खूबसूरत हो। देखा, मैंने कहा था ना मक्खन, इसका मतलब है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम इसको जानते हो? अरे बाबा नहीं, अल्लाह कसम हम नहीं जानता इसको। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम खूबसूरत है? बाबा हमने तो थोड़ा सा देख कर इसको खूबसूरत बोला था। अच्छा, इसका नाम भी खूबसूरत है? देख लिया, ये मेरा शौहर है मक्खन, ये मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर है। वाला सही वाह, हमारी तो चांदी हो गई। देख लिया, हमारी बेटी का नाम चांदी है मक्खन। बाबा हम बचपन से ही इतना खूबसूरत है, हमारी दादी अम्मा ने उस वक्त ही बोला था कि मक्खन बेटा तेरे पे औरतों की लड़ाइयां होंगी, और आज वो दिन आ गया। आहा हा हा। नबी बंद करो ये नाटक और चलो मेरे साथ अंदर। बाबा इसने देखो मेरा हाथ ही पकड़ लिया है। छोड़ो मेरे मक्खन को। अब छोड़ो, रहने दो रहने दो बाबा, अगर जिद करती है तो मुझे कोई इतराज वितराज नहीं है। चलो चलता है बाबा, चलता है, हम जरूर चलता है, हम क्या करें बाबा, हम मजबूर है। भाई तू कब किन्नू लेने गया था, मुझे लगा कर आ गया। ओ बाबा ये भी मेरी बीवी है क्या? चुप कर, बगैरता, मैं तेरी वालदा हूँ। ओ अमा सैन, हमारी माँ को तो मरे हुए 20 साल हो गई। बाबा ये अमा सैन कौन है, मेरे गले क्यों पड़ रही है? मक्खन ये ना सारे लोग पागल हो गए। अरे पागल तो तुम हो गई हो, पिछले एपिसोड में कितना शोर मचा रही थी, मेरे शौहर को अपना शौहर कह रही थी, और अब ये बातें कर रही हो? क्योंकि अब मेरा शौहर मेरे सामने आ गया है। अरे तुम्हें क्या पता कि ये मक्खन है या नबील है? ओ बाबा तुम लोग बाद में लड़ते रहना, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वॉशरूम किधर है? वो रहा पुत्र सामने। बाबा हमको पुत्र मत दिखाओ, हमको वॉशरूम दिखाओ, वॉशरूम। लैट्रिन उधर है। शुक्र है मेरा शौहर अलग ही है। कोई अलग वलग नहीं है। क्या? हाँ तुमने देखा नहीं कि नबील गया है तो फिर ये आया है? अगर दोनों अलग अलग होते ना तो एक ही वक्त पे यहाँ मौजूद होते। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मेरा शौहर मिल गया। हाँ अभी पता चल जाएगा, मैं नबील को फोन करती हूँ, फोन लाने दो। तो जा रही है, अभी अंदर फोन बजेगा। हेलो हेलो नबील, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है भाई, बताओ क्यों किया फोन? तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम्हें बता दूँ ताकि तुम लेने आ जाओ मुझे। बकवास मत करो नबील, मुझे पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते नबील, फौरन बाहर आओ। अरे मैं बाहर ही तो हूँ। नबील फोन बंद करो और फौरन बाहर निकलो। बाबा क्या इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम आई? What? बाबा आपने तो हमको सुकून से बैठने ही नहीं दिया। नबील बंद करो ये नाटक, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। बाबा हम नबील नहीं है, नबील नहीं है, हम मक्खन है मक्खन। Shut up! तमीज से बात करो मेरी शौहर से। ये मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर है, मेरा शौहर है, मेरा शौहर है। बाबा ये मेरा टाइम तो अच्छा चल रहा है, जाने पे गाना। मैंने कहा ना मेरा शौहर है, ये गाना मेरा शौहर है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या? अरे ये मुझे रोजे में किस तरफ लगा दिया तुमने, और नबील ये क्या उंडिया बना रखा है तुमने? ओ बाबा अब तुम कौन हो बड़े मुंह वाले? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ यार। बाबा हमको गाली मत देना, हम उमर गाली हाथ में हाथ नहीं करेगा। आपने देखा ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ओ बाबा हमको तो तुम लोग पहले से ही किसका हुआ लगता है। जाना बाबा हमको यहाँ क्यों बुलाया तुमने? देखा महमूद साहब, ये हम दोनों में से किसी को नहीं पहचान रहा। लेकिन मुझे तो पहचान रहा है। बाबा तुम लोग हो कौन, फिल्मों में आते हो जो मैं तुम लोगों को देखते ही पहचान लूंगा? अच्छा नबील जरा मेरे साथ आओ। ओ कौन नबील बाबा, हम मक्खन है मक्खन। अरे मैंने कौन सा टोस्ट पे लगाना है, बाहर जरा लॉन में चलो मेरे साथ। बाबा लॉन में बड़ी गर्मी है, मक्खन पिघल जाएगा। अरे नहीं पिघलेगा, तुम आओ तो सही। बना तो ठीक लगता है तू मुझे ऐसा। बाबा ये हमारा स्टाइल है। तुम क्या चांद पे हो? ओ
बाबा तुम हमें खुले में क्यों लेके आया है? अरे इसलिए कि ताकि खुलकर तुमसे बात कर सकूं। कौन सी बात बाबा, चलो करो। अरे बस कर दो यार नबील, रोजे में बहुत हो गया यार, तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है। अरे बाबा हमने कितनी बार बोला है हम नबील नहीं है, मक्खन है, मक्खन है। नबील यार अगर तुमने शादी कर ही ली है तो मान क्यों नहीं लेते? अरे बाबा हमने किससे शादी कर ली है? अरे खूबसूरत की दोस्त जाना से। हाँ तो उससे तो हमने शादी की है ना बाबा। क्या? हाँ बाबा। अरे तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है? अरे बाबा कौन चिड़िया नहीं मान रहा कि वो हमारी बीवी है। अरे तो फिर झगड़ा किस बात का है भाई, जाओ जाके खूबसूरत को बता दो। सही, ये खूबसूरत कौन है? अरे तुम्हारी दूसरी बीवी यार। ओ बाबा क्या चरिया हो गया है, हमने सिर्फ एक शादी की है। हैं? हाँ? तो तुमने खूबसूरत से शादी नहीं की? बाबा की नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना, हमको गुस्सा आ गया ना, तो बाबा हम कर लेगा। क्या? बाबा हमारे खानदान में तो सबने चार चार शादियां की है बाबा। हमारे दादा ने चार की, हमारे ताया ने चार की, हमारे अब्बा ने तीन की। ये अब्बा ने चार क्यों नहीं की? बाबा इसलिए कि जब हमारा अब्बा चौथी कर रहा था तो हमारी अम्मा सैन ने अब्बा को गोली मार दी। अरे हाँ धोती यार नबील, झूठ की भी बहुत बकवास कर ली तुमने, और निकाला अपनी ये नकली मूंछें। अरे बाबा ये क्या कर रहा है? ये तेरी नकली मूंछें निकाल रहा हूँ। अबे बाबा नकली मूंछें निकाल रहा है या मेरी चीखें निकाल रहा है? उतार इसको, उतार। अरे छोड़, अरे छोड़। अरे बाबा तेरे को। जाना तुमने हमको किन चरियों में फंसा दिया है? कोई हमको नबील बोलता है, वो अमा हमको पता नहीं क्या क्या बोलती है, वो बुड्ढा हमारी मूछे खींच रहा है यार। चलो चलो यहाँ से। नबील तुम इसके साथ नहीं जा सकते। अरे ये मेरा मियाँ है तो मेरे साथ ही जाएगा ना नबील। अरे बाबा शकल घूम करो, चलो कोई यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालेगा। क्यों बाबा, बाहर बारूद की सुरंग बिछी हुई है। तुम मुझसे बात मत करो नबील। खूबसूरत इस आदमी ने आज घटियापन की इंतहा कर दी है। ओए क्या किया इसने? इसने अपने बाप को मारा है। ओए ज़ालिम इंसान, तूने अपने बाप को मारा है? मुझे भरी जवानी में बेवा कर दिया तूने। बाबा हमारे अब्बा को तो हमारी अम्मा सैन ने मारा था। ओ चचा मैंने तुम्हें अभी ये सारी स्टोरी सुनाई तो है। महमूद साहब अभी क्या कंफ्यूजन है यार? अरे इसीलिए तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने भट्ट साहब के कजन जेम्स जासूस को बुलाया है। जेम्स जासूस? हाँ, अब वो ही पता लगाएगा कि ये नबील है या मक्खन। हुशवशे। ओ बाबा ये सब के सब चरिया है, जाना तुम भुगतो, हम जा रहे हैं। मैं भी जाना। एक सेकंड, अभी मत जाओ, जहाँ दो एपिसोड तक तुम फजूल में रुकी हो, थोड़ा और रुक जाओ, मामला क्लियर हो जाएगा। मंसूर ये जांगलूस कब आएगा? जांगलूस नहीं, जासूस। ये जासूस है या डॉक्टर? जासूस। तुम मेरी आंखें क्यों चेक कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखें भी कमजोर तो नहीं। ओए ना तूने क्या चश्मा बना के देने हैं? अच्छा तो आप भी ठंडी जुकते मार लेती है इत्तेफाक से? हाँ जी कोशिश कर लेती हूँ कभी कभार। ये जो आपका शोहर है, कब से आपका शोहर है? जब से मैं उसकी बीवी हूँ। और आप उसी बीवी कब से हैं? जब से हमारी शादी हुई। आपकी शादी में कितने लोग थे? 400-500। 400 या 500? 450। खाने में क्या आया था? हैं? ओए भाई, और ये तू क्या डिस्कस कर रहा है? देखिए आप मुझे अपना काम करने दे, समझे? तुझे भी तो इज्जत रास नहीं आती, चुप करके बैठ। ये आपका शोहर आपके साथ रहता है? नहीं नहीं, वो जमीन पर रहता है। आपके आसमान पे रहती है? वैसे आप जमीन की लगती भी नहीं है। सूट कहाँ से सिलवाया? महमूद साहब ये कहाँ से उठा लाए हैं आप? सूट नहीं ये बंदा। ओए कार्लोस तू इनसे इनके शोहर का पूछ। मेरी जान वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि आपको शोहर साल में आपके घर कितनी दफा आता है और कौन कौन सा गैप होता है बीच में, सर बताइए। दो बार। बड़ाई भी हुई भाई जी। अच्छा आपको शोहर साल में कितनी दफा आपके घर से जाता है, जरा बताइएगा। दो बार। इसका मतलब तो क्लियर है। क्या? इसका मतलब ये है कि दोनों का शोहर एक ही है, जब एक होता है तो दूसरा नहीं होता, यही ना। क्या? अरे तो ये तो हमें भी शक है कि वो एक ही आदमी है। मुझे क्यों तकलीफ दी भाई, क्यों बुला? क्योंकि वो मान नहीं रहा कि वो एक आदमी है। तो वो क्या कह रहा है कि वो एक औरत है? आप अपने बेटे को कब से जानती हैं? पैदा होने के बाद से। जब आप पैदा हुई इत्तेफाक से, तो आपका बेटा दिखने में कैसा था? और यार ये अपने बेटे के बारे में बोल रही है। अबे तो मैं भी तो उसके बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ। आप कौन है? करण दीवान साहब। अरे मैं उसका बाप हूँ। अच्छा ठीक है।
ये आपके बाप हैं? हाँ जी, बाप जैसे शौहर हैं। भैया आपने किस मस्खरे को बुला लिया आजम? महमूद? नहीं नहीं, ये नाम महमूद नहीं है मेरी जान, महमूद नहीं। अबे महमूद मेरा नाम है। तो ये आपको आजम क्यों कह रही है? इसका मतलब ये हुआ कि ये आजम की बीवी है और आपने ये झूठ बोला कि आप इसके शौहर हैं। अब तो मुझे आप दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अरे आप हमारे शौहर का पता करें भाई। आज वही तो कर रहा हूँ। आप क्या कर रही थी? हाँ, मेरा पुत्र। आपने मुझे अपना पुत्र कहा? मेरी शक्ल आपके पुत्र से मिलती है? मेरा पुत्र आ गया। ओ माँ जी, आपने किनू मंगवाए थे ना यार? दो माँ जी, ठेले से यही लेके भाग सका हूँ, उसका कुत्ता मेरे पीछे भाग पड़ा था। आखिर तुम आई गए ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को कीनू देने आया था और अफ्तारी करने आया था, फिर मैं चला जाऊँगा। कहाँ? अपने कमरे में सोने। ये कौन है? ये मेरा शौहर है मक्खन। ये मेरा शौहर है नबील। और ये क्या कन्फ्यूजन है भाई? तो यही कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह गॉड। चल भाई लड़के, अंदर चल, मैंने तुझसे कुछ पूछ और गच्छ करनी है। आप जो अंदर जाकर करेंगे वो पूछ गच्छ होगी। हाँ, अच्छा जी। क्या आपका बेटा 2 नंबर लग रहा है मुझे? 3-4 नंबर। तो मेरी जान मुझे ये बताओ कि क्या तुमने दूसरी शादी की? मैं पहली शादी से बहुत तंग हूँ, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं यार। Exactly, मैं ये जानना चाह रही जान, जब बंदा पहली शादी से तंग आया जाता फिर दूसरी शादी करता है। लो भाई, केस सॉल्व हो गया है। इस नॉर्मल बंदे ने दूसरी शादी की है, समझ में क्या? भाई मैंने 2 शादियां नहीं की यार। लो भाई मेरी जान, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो जाना क्यों कह रही है कि तुमने मेरी दोस्त खूबसूरत से शादी की है? हाँ हाँ, खूबसूरत से तो मैंने शादी की है। देख भाई चाचा, अब इसने कबूल कर दिया कि उसने 2 शादियां की हैं। ओ यार, मैंने दूसरी नहीं, मैंने पहली शादी खूबसूरत से की है। अच्छा, तो जाने से तुमने दूसरी शादी की है। चलो भाई, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। ओ यार, मैं मुसा नहीं रोके यार। मैं क्यों रोकूं भाई, जब तुम मुझे कुट चढ़ा रहे थे, मार रहे थे, डिश का है, उस वक्त मैंने तुम्हें रोका था क्या? अब जब तुम्हारा टाइम आया है कुट खाने का, तो मैं इसे क्यों रोकूं? मैंने कब मारा है? क्यों, अब पता चलेगा। मुबारक हो भाई। शबशे, क्या हुआ डॉक्टर साहब? जासूस जेम्स, जासूस। हाँ, जासूस हुआ है। अरे केस सॉल्व हो गया भाई। वो कैसे? सारी तफ्तीश मैंने कर ली है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये आपका फैमिली मैटर है। क्या? हाँ, और मैं किसी के घरेलू मसले पे टांग बिल्कुल नहीं अड़ाता। आप क्या कह रहे हैं? देखो भाई, आपके शौहर ने या इनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो कोई जुर्म तो नहीं भाई? मैंने तो खुद 3 शादियां की हैं अल्लाह के फजल से। अब आपका शौहर या आपका शोहर आप दोनों को बेवकूफ बना रहा है तो आप खुद देख ले। लाइए मेरी फीस, मैं इफ्तारी लेके घर जाऊंगा, वो भी 3 घरों की इफ्तारी लेके जानी है। ये रही फीस तुम्हारी, फीस मैं अभी देता हूँ तुम्हें। ये बुरी बात है, मेरा रोजा यार, क्या कर? अभी रोजा खुलवाता हूँ। अबे तू पूरा एपिसोड खा गया हमारा। कुछ और कर लेता हूँ। जानू जानू, मैं अभी तेरा रोजा खुलवाता हूँ। अब तो वो मनोज भी चला गया, अब बताओ अब कौन बताएगा कि तुम दोनों का मियां कौन है? बच्चू, तेरे हाथ में जान ही नहीं। जान तेरे ना, मेरा बच्चा फिक्र ना कर, तू चुप हो, इतना गंदा ना रो प्लीज। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, मेरा मियां मेरे हाथों से निकला जा रहा है। फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, और तेरा मियां कहीं भी नहीं जाता। सच? तूने मेरे पुत्र से ही शादी की है ना? हाँ, तो फिर टेंशन की कोई बात है ही नहीं, उसको तो कहीं जाना भी नहीं होता, वो कहीं नहीं जाता। माँ जी, आपकी बहू वो नहीं, मैं हूँ, और आप उसे तसल्लियाँ दे रही हैं। अरे आपकी बहू मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ। खबरदार, तुम दोनों ने रोजे में मेरे बच्चे को पागल कर दिया है। कभी वो मुझे लगाता है तो कभी उतारता है, इतनी मेहनतें करनी पड़ रही है उसको, इससे तो बेहतर था वो कहीं नौकरी कर लेता। आज तो फैसला करके रहूंगी मैं। अब खुश हो जा, वो अंदर फैसला लेने गई है। हैं?
चांदी के सर पर हाथ रखो। क्यों, उसे बुखार हो रहा है? नबील, चांदी के सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने दूसरी शादी नहीं की। जानू, क्या फजूल बातें कर रही हो, मैंने नहीं की दूसरी शादी। जब तक तुम चांदी के सर पर हाथ रख के कसम नहीं खाओगे, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी। ओके, ये लो। मैंने दूसरी शादी नहीं की खूबसूरत, अब तो तुम्हें यकीन आ गया? कितने बड़े झूठे हो तुम नबील, अपनी बेटी की झूठी कसम खा ली तुमने। जानू, बात मत करना मुझसे, तुमने ही जाना से दूसरी शादी की है। ओ जानू, वो मैं नहीं कोई और होगा यार। तुम्हारा कौन सा कोई जुड़वा भाई है घटिया इंसान? मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जानू, चलो जानू, 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 माजी, माजी, आप अपने नन्हे से दिमाग पे जोर डाले। कभी आप जवानी में कुंभ के मेले में गई थी? क्या बता रहे? याद करने की कोशिश करें माँ जी, कहीं आपका कोई बच्चा गुम तो नहीं हुआ था? हाँ हाँ पुत्र, याद आया। क्या? एक दफा ना तुम बड़ा छोटा था, तो मैं तेरा हाथ पकड़ के मेले में ले गई, तो तू अपना हाथ छुड़ा के भाग गया वहाँ से। फिर तेरे अब्बा जी तुझे पकड़ के ले आए थे। ओ माँ जी, याद करें, अस्पताल में से शायद दो जुड़वा बच्चों में से किसी एक को नर्स ने चुरा लिया हो और दूसरा रहने दिया हो। हाँ हाँ पुत्र, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है। है माँ जी, पर मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। जानू, जानू मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जानू प्लीज। घटिया आदमी, दीदी मैं हूँ तुम्हारी और जानू उसको कह रहे हो? यार आप तो चुप करें ना, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या? आपकी वजह से मेरी बीवी और मेरी बच्ची मुझे छोड़ के जा रही हैं। तुम्हें इसकी फिक्र है, मेरी नहीं? नहीं। तो भाई ठीक है, मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो। तलाक, तलाक, तलाक। है इतनी जल्दी? ओ जाओ यार, जान छोड़ो। घटिया इंसान एहसान परामोश, तुमने मुझे तलाक दे दी। ओ बाबा जाना, तुम इन चरिया लोगों के घर में बैठी हुई हो, बता रही का टेम हो रहा है। कबीर साई मुझा। जानू, पहले दो दो बीवियां थी बाबा, अब हम भी दो दो हैं। ओ बाबा, हमारा तो टेम अच्छा चल रहा है। दाने पे दाना, दाने ना फिर दाने पे दाना। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें, या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।